डी स्टूडेंट वी हैव डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ़ द पैनल डेटा कि ईव्यूथ पैनल डेटे को कैसे हैंडल करेगा द नेक्स्ट स्टेप इज अबाउट द डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस ऑफ द पैनल डेटा और पैनल डेटे का डिस्क्रिप्टिव मीन मीडियन स्टैंडर्ड डेविएशन उन सबको उसी तरह हम एक्सप्लेन करेंगे लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट चीज़ें होंगी जो मैं आपसे शेयर करूँगा बाकी आप उसी तरह उसी पैटर्न से जिस तरह हमने टाइम सीरीज को एनालाइज किया था इन द सेम पैटर्न आप पैनल के को भी हैंडल कर सकते हैं और वहाँ पे हमारे पास जो टाइम सीरीज डेटा है फॉर एग्जांपल वी हैव सेलेक्टेड द डेटा ऑफ पाकिस्तान तो पाकिस्तान की करेक्टरिस्टिक्स बताएगा जब हम साउथ एशियन पैनल बताएंगे तो वो पैनल का बताएगा कि द मीन ऑफ दिस पैनल इज दिस वन द मीडियम वैल्यू मैक्सिमम एंड मिनिमम इन द पैनल इज़ वो पैनल की इंफॉर्मेशन आपके साथ देगा तो ई e व्यूज किस तरह लाइक पैनल फाइल को हैंडल करेगा किस तरह उसको पिक करेगा किस तरह उसका डिस्क्रिप्टिव करेगा उसको हम डिस्कस करते हैं Uh, dear student this is your uh, eviews file and uh, you can direct access the excel file by opening open a new eviews work file and in eviews work file you can choose the path of your file if it's on desktop you can click on the excel the file is in excel uh, and the data is panel

एंड द डेटा इज अवेलेबल फॉर फोर कंट्रीज और इसमें टोटल वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी एट ऑब्जर्वेशन है उसी स्टाइल से इफ़ यू आर लाइक योर फर्स्ट वेरिएबल इज एफ डी आई इफ यू डबल क्लिक ऑन द एफ डी आई आपके पास एफ डी आई का डेटा एज परसेंटेज ऑफ जी डी पी ओपन हो जाएगा एंड द फर्स्ट लाइक नाइनटीन एटी टू टू थाउजेंड अलेवन दिस इज डेटा ऑन बांग्लादेश फ्रॉम नाइनटीन एटी टू टू थाउजेंड अलेवन then uh, the data is for india from 1980 to 2011 then the data is on pakistan from 1980 to 2011 and at the end you have the data on sri lanka from 1980 to 2011 is tarah panel mein agar four countries hain वो एक पैटर्न पे आपको चारों कंट्रीज का डेटा देगा अगर आपके पास 50 कंट्रीज हैं तो 50 की सीरीज देगा और उसको आप चेक कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द व्यू यू कैन क्लिक ऑन द ग्राफ एंड द ग्राफ अगेन द सेम पैटर्न लाइन ऑन द रॉ डेटा एंड बाय क्लिकिंग ऑन द ओके यस दिस इज बेसिकली फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ट्रेंड फॉर द साउथ एशियन कंट्री द फर्स्ट वन इज योर लाइक अबाउट बांग्लादेश विच इज वेरी मच लो इवन फॉर द इंडिया द फॉर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज़ लो बट फॉर पाकिस्तान इट इज़ हाईली वोलटाइल एंड फॉर द्रीलंका इट्स अगेन द सम सॉर्ट ऑफ वोल्टिलिटी इज़ इन द डेटा तो ये आपको एक डिस्क्रिप्टिव देगा कि आपके जितने कंट्रीज हैं उनका ओवरऑल पैटर्न क्या है आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं बांग्लादेश विद इंडिया एंड इंडिया विद पाकिस्तान एंड पाकिस्तान विद श्रीलंका जिस तरह आप एक्सपेंड कर सकते हैं अपने पैनल को पूरी दुनिया का वो डेटा ले सकते हैं आप 200 सौ कंट्री सेलेक्ट करें 150 फिफ्टी कंट्री सेलेक्ट करें 100 हंड्रेड कंट्री सेलेक्ट करें देन बाई क्लिकिंग ऑन द व्यू आप इसके डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स देख सकते हैं विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन योर टाइम्स इज पैटर्न देन द वेरी इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल थिंग इन पैनल इज पैनल पैनल को रिलेशन एंड पैनल को वेरियंट पैनल को रिलेशन को अगर आप देखते हैं सिंपल द को रिलेशन इज़ वेरी मच सिंपल

और बांग्लादेश और श्रीलंका की एफ में कोई खास एसोसिएशन नहीं है इस तरह इंडिया को बांग्लादेश के साथ कंपेयर किया इंडिया को पाकिस्तान के साथ कंपेयर किया और इंडिया को श्रीलंका के साथ कंपेयर किया सर आप पाकिस्तान को बांग्लादेश के यानी ये आपके पास एक कोरिलेशन मैट्रिक्स आएगी जो बताएगी कि एक कंट्री की एफडीआई दूसरी कंट्री के साथ किस तरह कोरिलेट कर रही है इस तरह आप एजुकेशन ऑफ पाकिस्तान विद एजुकेशन ऑफ इंडिया कर सकते हैं एजुकेशन ऑफ बांग्लादेश कर सकते हैं इसी तरह इवन यू कैन यूज द डेटा फ्रॉम डिवेलप एंड डिवेलपिंग कंट्री तो पैनल आपको बड़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग दे सकता है ताकि आप उसको एनालिसिस में यूज कर सकें इसलिए आप व्यू में जाके इवन यू कैन चेक द कुरेलोग्राम ऑफ योर एफ डी आई बाई क्लिकिंग ऑन द क्रेलोग्राम यू हैव द आइडिया दैट यू कैन रन एट लेवल दिस पैनल इज नॉन स्टेशनरी अब पैनल जब नॉन स्टेशनरी है तो इसी पैनल को हम व्यू में जाके कोरेलोग्राम एंड यू कैन लाइक चेक द फर्स्ट डिफरेंस एंड एट फर्स्ट डिफरेंस जो एफ डी आई ऑफ साउथ एशियन इकोनॉमीज बिकम सिग्निफिकेंट इसी तरह आप सब वेरिएबल के ये ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं इवन यू कैन चेक द यूनिट टू टेस्ट एंड यूनिट टू टेस्ट इज अगेन इन द सेम पैटर्न कि आप लेवल पे चेक कर सकते हैं फर्स्ट डिफरेंस पे सेकंड पे इंडिविजुअल इंटरसेप्ट इंडिविजुअल इंटरसेप्ट एंड ट्रेंड या इन दोनों में से कोई भी नहीं है उस पर क्लिक कर सकते हैं एंड बाय क्लिकिंग ऑन द ओके उसी पैटर्न पे ये बता रहा है कि यस, द प्रोबेबिलिटी वैल्यू शो डेट द एट लेवल द एफ डी ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज इज इनसिग्निफिकेंट एंड इट मीन्स देर इज द प्रॉब्लम ऑफ यूनिटूड और इसको ओवरकम करने के लिए हम इसका फर्स्ट डिफरेंस ले सकते हैं इसी पैटर्न पे आप किसी भी वेरिएबल पे करेक्टरिस्टिक्स उसी वेरिएबल का कोरिलेशन उसी वेरिएबल का ग्राफ यानी आप उसका मीन मीडियन इवन रेंज चेक कर सकते हैं